वोटिंग देने के लिए सुबह से ही लोग कतारों में थे। दिल्ली में 25% मतदान। राम कृपाल जी, ये रफ्तार 25% क्या बता रही है? ये 70 पार कर जाएगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में मतदान है। अच्छा, इसके पहले भी जो मतदान हुए असम में सारी जगह पे, तो मुझे तो लगता है कि रिकॉर्ड बन जाएगा और ऑल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है, सारे रिकॉर्ड टूट जाए। क्योंकि अगर ज्यादा अभी तक वोटिंग होती है तो क्या ये परिवर्तन होता है, सत्ता के खिलाफ होता है? अब तक तो यही रहा है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि अब एक्चुअली वो बात नहीं रह गई है। हर बार जो नया मतदाता आ रहा है वो मतदाता पिछले मतदाताओं की तरह नहीं है कि आधे उसमें घर बैठ गए या 40%। अब जो मतदाता आ रहा है, मीडिया का एक्सपोजर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उसको ये लगता है कि उसका ये राइट है, तो वो बहुत बड़ी संख्या में आगे आ रहा है। और इतना ही नहीं कर रहा है, वो अपने घरों के बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को भी प्रेरणा दे रहा है और निकाल के ला रहा है। ये बहुत बड़ी भूमिका है यूथ की। नहीं, रामकृपाल जी ये बताइए, ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति ने सब कुछ हड़प लिया है? सब चीज़ राजनीति में, अच्छा टीचर राजनीति में, अच्छा पत्रकार राजनीति में, अच्छा प्रोफेशनल राजनीति में, जनरल साहब भी राजनीति में, राजनीति ही पूरे देश को ठीक करेगी? मैंने ये एक दुविधापूर्ण स्थिति नहीं है प्रसून जी? जैसे देखिए, समय और परिस्थितियाँ जो हैं, आजकल जिस तरह से हिंदुस्तान, इंडिया जो एक ट्रांजिशन फेज़ में है, जिस आपके एक इंसान की ज़िंदगी सवेरे से लेकर के शाम को जब वो बिस्तर पे सोने जाता है, उसकी हर तरह की चीज़ों को राजनीति गवर्न कर रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये यूरोप नहीं है जहाँ पे एक ट्रांजिशन हो चुका है।